बचपन में पेंसिल और बड़ी क्लास में पेन क्यों यूज करते हैं, और कैसे आप अपना पेट खाली रखकर एग्जाम में टॉप कर सकते हो, और कैसे आप ये करके अपने रिमोट के डेड बैटरी को फिर से यूज कर सकते हो, और क्रिकेट खेल में नेशनल एंथम के समय प्लेयर के साथ ये बच्चे क्यों आते, तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 22, आपको ट्रेन में फोकट का खाना मिल सकता है, वो भी बिना वजह। इंडियन रेलवे के एक नियम है, अगर कोई प्रीमियम ट्रेन जैसे शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे से ज्यादा लेट करती है, पर आप अगर उसी टाइम प्लेटफॉर्म में बैठे रहते हो, तो जब आप ट्रेन पे चढ़ते हो तो आपको फ्री का खाना दिया जाता है। नंबर 21, पहले लोगों को लगता था कि इंसान साल 2000 तक अलग ही लेवल का एडवांस हो जाएगा, और देखो इसे 1908 में बताया गया था कि 2000 के बाद पुलिस चोर को इस तरह से पकड़ेगा, लेकिन 2022 में अभी भी लोग ये करने में बिजी है। नंबर 20, अगर आपके रिमोट का बैटरी खत्म हो जाती है तो उसे निकालना है, और दोनों बैटरी को आसपास में सक करना है, और ये करते वक्त आपको बैटरी का ये वाला हिस्सा ही यूज करना है, और उसके बाद ये और थोड़ी देर तक चल पाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। नंबर 19, स्कूल का वार्ड एक अजीब सी चीज से लिया गया है, ये वार्ड ग्रीक वार्ड से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है फन टाइम, यानी मजे करने का टाइम, लेकिन स्टूडेंट के लिए स्कूल मजे का टाइम नहीं सजे का टाइम बन चुका है। नंबर 18, एशियन टाइम में वानहू नाम का एक आदमी था जिसके मून में बहुत ही इंटरेस्ट था, और वो चांद जाना चाहता था, और उसके लिए वो एक बम्बो का चेयर लिया और उसके नीचे बहुत सारा रॉकेट फट का फिट कर दिया, और फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हो, रॉकेट फट गया और वानहू मर गया। और कुछ लोगों का मानना था वानहू आउटर स्पेस तक पहुंच गया था, हालांकि वहां जाकर वो मर ही गया होगा। नंबर 17, साउथ कोरिया में एग्जाम के लिए प्लेन तक भी रुकाए जाते हैं, जैसे कि जहां पर बच्चों का एग्जाम चल रहा है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी तक आपको ट्रैफिक तक नहीं दिखेगा, क्योंकि जहां जहां एग्जाम होता है वहां के रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, और कंस्ट्रक्शन काम से लेकर जब तक को रोक दिया जाता है ताकि वो आराम से एग्जाम दे सके। नंबर 16, टाटा कंपनी के इस काम के लिए उसे दिल से सैल्यूट है। कुछ दिन पहले ट्विटर और मेटा से बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, तो टाटा ग्रुप ने पूरे वर्ल्ड से एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए एक एप्लीकेशन का तैयार किया है, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों को हायर किया जाएगा, और इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 15, आप अगर बुगाटी वेयरन का इंजन ऑयल चेंज करोगे तो इतने पैसे में आप 2 मारुति सुजुकी ले सकते हो। जब बुगाटी वेयरन का ऑयल चेंज करवाया जाता है तब 14 से 18 लाख तक खर्चा आता है, और यह हर 2-3 साल में एक ना एक बार चेंज करना ही पड़ता है, और इस हिसाब से हर 2 साल में 2 मारुति स्विफ्ट। नंबर 14, जब इंडिया आजाद हुआ था तब आप गोल्ड को टमाटर प्याज जैसे ले सकते थे, उस टाइम गोल्ड का रेट 10 ग्राम का 88 रुपीज था, और यह बात भी सच है, तब 88 रुपीज बहुत ज्यादा थे। नंबर 13, जब किसी माफिया के ऊपर केस हो जाए तब वो गवाह को गायब करने की कोशिश करता है और गायब भी कर देता है, लेकिन कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार ने कोर्ट को ही गायब कर दिया। वाओ, इसे कहते हैं मैजिक। नंबर 12, कई बार छोटे बच्चे स्माइल करते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि बच्चे खुश हैं। कई बार छोटे बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए स्माइल करते हैं, उनको पता नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। उनका स्माइल को देखकर जब सामने वाला व्यक्ति भी स्माइल करता है तब उसे अच्छा लगता है, वो भी स्माइल करते रहते हैं। नंबर 11, ये वीडियो हमें 2 तरीके का लोगों को बताता है जो कि प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला टाइप का लोग जो सीधे प्रॉब्लम से भिड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे ही लोग हैं जो प्रॉब्लम को देखकर ही डर जाते हैं, और आपको पहले वाला व्यक्ति बनना है ना कि दूसरे वाला। नंबर 10, कुछ रिसर्च में यह आया है कि भूखे पेट रहना एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है, और कुछ लोग ये ट्राई भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ये अजीबोगरीब टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं, जिसका एग्जाम है उस विषय में आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। नंबर 10, क्या आप भी ऐसा चैलेंज करना चाहोगे? ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर मुझे करोड़ों रुपए भी दिया जाए तो भी मैं नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है इसे सेफ्टी दी जाएगी, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सेफ्टी कभी 100% नहीं होती। नंबर 9, टर्टल जब रोते हैं तब बटरफ्लाई उनके आंसू पीते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई को सरवाइव करने के लिए उनको सोडियम चाहिए होती है, जो उसे टर्टल के आंसू से आसानी से मिल जाते हैं, और तितलियां किसी दूसरे जानवर के साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि दूसरे जानवर बहुत ही खूंखार होते हैं और ये तितलियों के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। नंबर 8, जापान में कुछ लोग अपने टीथ को इस तरीके से बाहर निकलवाते हैं। भारत में तो दांत ऐसी हो तो दांत को स्ट्रेट करवाया जाता है, लेकिन जापान में स्ट्रेट दांतों को ऐसे बाहर निकाला जाता है, और उनका मानना यह है कि वो लोग ऐसे बहुत ही क्यूट लगते हैं। नंबर 7, एक बार जरा आप इस इमेज को देखो, ये इमेज आपको नकली लग रही होगी लेकिन ये रियल है। ये एक प्रोफेशनल बेली डांसर का है और जिसका नाम काइली सिया है। आप इनके पैरों की ताकत देख सकते हो भाई, इसे देखकर ही मुझे पैर दर्द होने लगा। नंबर 6, मिस्टर बीन को आप स्टूपिड समझते हो, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है।
इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कि ये जितने डम दिखते हैं वो है नहीं, ये काफी स्मार्ट है। और इसको रेसिंग कार का भी बहुत ज्यादा शक है, इसके पास बहुत सारा रेसिंग कार है और ये बहुत फास्ट रेसिंग करता है। नंबर 5, डॉग्स और कैट्स अगर न्यूयॉर्क सिटी में गुम हो जाते हैं तो ये अपने आप आ जाते हैं या फिर इन्हें ढूंढ लिया जाता है। इसका कारण बताया जाता है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा जेन्युइन होते हैं और जो पेट का मालिक होते हैं वो अपने पेट को हद से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। नंबर 4, आपने पानी की आवाज बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है गर्म और ठंडे पानी की आवाज बिल्कुल ही अलग है। जब आप बोतल से ग्लास में ठंडा पानी डालते हो तब आपको बहुत ही शांत आवाज सुनाई देती है, और वही जब आप बोतल से गर्म पानी डालते हो तब उसकी आवाज में बहुत ही हाई पिच होता है। और ऐसा इसलिए होता है, ठंडे पानी में मॉलिक्यूल्स जमे हुए होते हैं और गर्म पानी में मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं। नंबर 3, रिपब्लिक डे पर इंडिया के सारे रेजिमेंट फ्लैग पर सैल्यूट करता है, लेकिन वही जो सिख रेजिमेंट है वो लोग फ्लैग को 2 बार सैल्यूट करते हैं, पर ऐसा केवल सिख रेजिमेंट ही करते हैं, पर ये सिख रेजिमेंट काफी वक्त से करते आ रहे हैं। नंबर 2, आप लोगों को भी स्कूल में क्लास 4 तक पेंसिल यूज करवाई होगी और उसके बाद पेन का इस्तेमाल शुरू होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन लगता है, जैसे कि पेंसिल में मिस्टेक मिटाई जा सकती है और पेन से नहीं? लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके रीजन काफी लॉजिकल है कि जो छोटे बच्चे हैं वो पेन से सही से लिख नहीं पाएगी और बहुत सारे गलती करेंगे, और पेन जो होते हैं उनकी इंक बच्चे खा भी सकते हैं, और जिसके वजह से पेन का इस्तेमाल 4th स्टैंडर्ड तक नहीं कराया जाता है, और उसके बाद उनको पेन का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, क्योंकि आगे उन्हें फ्यूचर में हर एक चीज पेन से ही लिखना पड़ेगा। नंबर 1, वर्ल्ड कप में नेशनल एंथम के समय प्लेयर के साथ छोटे बच्चे क्यों होते हैं? सबसे पहले तो ये चाइल्ड सेफ्टी और अवेयरनेस के रिप्रेजेंट करने के लिए शुरू किया गया था, और ये गेम में भी ये दिखाते हैं कि ये लोग इनोसेंट से खेलेंगे, और ये बच्चों के साथ चलकर ये प्लेयर को भी ये पता चलता है, मैच को देखने वाले बच्चे भी हैं, जिसके वजह से वो चीटिंग करने या फिर कुछ गलत बोलने और एक्टिविटी करने से पहले सोचते हैं। और उसी के साथ ये जो बच्चे आते हैं इसे मैस्कॉट कहा जाता है, और इसे मार्केटिंग के तौर पर भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो कंपनी टीम को स्पॉन्सर करती है वो कंपनी कहती है हमारे प्रोडक्ट को खरीदो और आप अगर लकी निकले तो आप यहाँ पर आ सकते हो, और अगर किसी बच्चे ने कुछ ब्रेव काम किया है तो भी उस बच्चे को वहाँ जाने का मौका मिलता है। ये फैक्ट्स के अलावा एक बोनस फैक्ट आपके लिए दोस्तों, प्याज काटना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता, क्योंकि प्याज हम लोगों को बहुत रुलाता है, लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद प्याज काटना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दरअसल प्याज काटने से पहले आपको उसे 10 मिनट फ्रिज में रख देना है, या फिर 10 मिनट पहले प्याज को पानी में भिगो देना है, और उसके बाद आप आसानी से प्याज काट पाएंगे, और ये फैक्ट आपके मम्मियों को बहुत काम आने वाली है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए 1 सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका और आपके अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।